हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, बोल रहा है लेट एक्स बी रैशनल नंबर, मान लीजिए एक्स रैशनल नंबर है, वाई बी इरेशनल नंबर, ठीक, गिवन एक्स इज रैशनल एंड वाई इज इरेशनल, ठीक, एंड इज एक्स प्लस वाई नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, क्या एक्स प्लस वाई जो होगा वो ज़रूरी है कि वो इरेशनल ही होगा, आप हमें ये बताइए। तो यदि होगा तो आप उसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग ले लेते, गिवन हमें है कि एक्स इज, तो हम लोग देख लेते हैं ये तो लिखा हुआ है भाई, ऐसे एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेके ही हम समझाते हैं। एग्जाम्पल लेट टू इज अ रैशनल नंबर, मान लेते हैं कि दो है रैशनल नंबर एंड रूट सेवन इज इरेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए लेट नहीं लिख सकते हैं हम लोग, इसका कारण क्या है कि ऑलरेडी ये है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखे, दो रैशनल नंबर है, रूट सेवन इरेशनल नंबर है, देन सम ऑफ इट दो प्लस रूट सेवन, ठीक। तो दो प्लस रूट सेवन को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल ही तो होगा, ऐसे मान के चलिए। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो प्लस 0.10, 100, फिर 1000, ठीक, ऐसे इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो दो और जीरो क्या होगा, 2.10, 1001, 2, 3। अब बताइए कि ये इरेशनल है या रैशनल है, इरेशनल ही तो है, तो जोड़ने के बाद ये तो रैशनल था और ये इरेशनल था, जोड़ने के बाद क्या आ गया, इरेशनल। तो आप ये भी एग्जाम्पल लिख के समझा सकते हो, ये वाला थोड़ा सा अच्छा रहता है हम लोगों को लिखने में, डायरेक्ट है रूट सेवन रूट सॉरी टू प्लस रूट सेवन विल बी एन इरेशनल नंबर। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में।